गाइस रियलमी ने लॉन्च कर दिया है उसका ब्रांड न्यू स्मार्टफोन रियलमी 5i। गाइस स्मार्टफोन आता है 9000 रुपीज़ के अंदर और 9000 रुपीज़ के अंदर बहुत ही अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन गाइस स्मार्टफोन का प्राइस और जो स्पेसिफिकेशन के आसपास आता है और फिर इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स S4 भी आता है 9000 रुपीज़ के अंदर, तो यहाँ पर काफ़ी सारा दोस्तों कन्फ्यूज़ है इस दोनों स्मार्टफोन लेकर। 9000 रुपीज़ के अंदर इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है, क्या आप कॉन्फ्यूज़ हो, जानना चाहते हो इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए। क्योंकि गाइस आज इस वीडियो में इस दोनों स्मार्टफोन के बीच डिटेल कंपेयर करेंगे, उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं टेक्निकल बाबा संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। बीजी में वीडियो का अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करना, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक करिए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ, दोनों स्मार्टफोन का प्राइस होने वाला है 9000 रुपीज़। दोस्तों देख लेते हैं कौन सा स्मार्टफोन 9000 रुपीज़ के अंदर बहुत ही अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। पहला बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की डिज़ाइन के बारे में। गैस इन्फिनिक्स S4 आता है बैक साइड की तरफ पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ, उसी के साथ साथ यहाँ पर ड्यूल कलर ग्रेडिएंट भी है और दोस्तों बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप, उसी के साथ साथ फिंगरप्रिंट सेंसर और एक LED फ्लैक्स है। और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाएगा स्मार्टफोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, उसी के साथ साथ इसका बेजल और नीचे जो चेन होने वाला है बहुत ही छोटा होने वाला है। गाइस इन्फिनिक्स S4 का जो डिजाइन होने वाला है बहुत ही अच्छा खासा। और वहां पर रियलमी 5i भी आता है बैक साइड की तरफ पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ, उसी के साथ साथ यहां पर ड्यूल कलर ग्रीन भी है, बैक साइड की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप, LED फ्लैक्स और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाएगा स्मार्टफोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, उसी के साथ साथ स्मार्टफोन का डिस्प्ले का बेजल और नीचे जो चेन होने वाला है बहुत ही छोटा होने वाला है। गाइस यहां पर डिजाइन के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है Realme 5i। इसके बाद बात करते हैं इस दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। गाइस यहां पर फिर से बाजी मारता है Realme 5i, क्योंकि गाइस स्मार्टफोन आता है 6.52 इंची HD प्लस डिस्प्ले के साथ, उसी के साथ साथ यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच है और इसका डिस्प्ले का बेजल और नीचे जो चेन होने वाला है बहुत ही छोटा होने वाला है। गैस रियलमी 5i का जो डिस्प्ले होने वाला है बहुत ही अच्छा खासा। और वहाँ पर इन्फिनिक्स S4 आता है 6.2 इंची HD प्लस डिस्प्ले के साथ, उसी के साथ साथ यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच भी है और इसका डिस्प्ले का बेजल और नीचे जो चेन होने वाला है बहुत ही छोटा होने वाला है। गैस यहाँ पर भी डिस्प्ले परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। गैस यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है रियलमी 5i, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 665 चिपसेट के साथ, जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2 GHz में, उसी के साथ साथ ये प्रोसेसर 11 नैनोमीटर में बेस्ट है। गाइस यहाँ पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस मिलने वाला है बहुत ही अच्छा खासा। और वहाँ पर इन्फिनिक्स S4 आता है हीलियो मीडियाटेक का P22 चिपसेट के साथ, जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2 GHz में, उसी के साथ साथ ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर में बेस्ट है। यहाँ पर भी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है। लेकिन गाइस हीलियो मीडियाटेक P22 चिपसेट से कई गुना बेटर चिपसेट है दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665, इसलिए दोस्तों यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बिल्कुल बाजी मारने वाला है रियलमी 5i। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में। गैस यहाँ पर रियर कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारने वाला है रियलमी 5i, क्योंकि गैस स्मार्टफोन की बैक साइड की तरफ है क्वाड कैमरा सेटअप। इसका जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है 12 MP, उसी के साथ साथ 8 MP अल्ट्रावायलेट लेंस के लिए, 2 MP है डेप्थ सेंसिंग के लिए और 2 MP है माइक्रो लेंस के लिए। और वहाँ पर इन्फिनिक्स S4 आता है बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। इसका जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है 13 MP, उसी के साथ साथ 2 MP है डेप्थ सेंसिंग के लिए और 8 MP है वाइड एंगल के लिए। गाइस यहाँ पर एक्स्ट्रा सेंसर प्रोवाइड कर रहा है रियलमी 5i, इसलिए दोस्तों यहाँ पर रियर कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है रियलमी 5i। लेकिन गाइस यहाँ पर सेल्फी कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है इन्फिनिक्स S4, क्योंकि गाइस स्मार्टफोन आता है 32 MP सेल्फी कैमरे के साथ। इसका जो एपरेचर होने वाला है 2.0 एपरेचर, लो लाइट में बहुत ही अच्छा खासा फोटो खींचेगा। और वहाँ पर रियलमी 5i आता है 8 MP सेल्फी कैमरे के साथ। इसका जो एपरेचर है 2.0 एपरेचर, लो लाइट में बहुत ही अच्छा खासा फोटो खींचेगा। गाइस यहाँ पर सेल्फी कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है इन्फिनिक्स S4 और यहाँ पर रियर कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है रियलमी 5i। इसके बाद आता है इस दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। गाइस यहाँ पर बैटरी के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है रियलमी 5i, क्योंकि गाइस स्मार्टफोन आता है 5000 mAh बैटरी के साथ, उसी के साथ साथ आउट ऑफ बॉक्स यहाँ पर 10W का चार्जर भी आता है और यहाँ पर माइक्रो SB पोर्ट भी है। गाइस यहाँ पर जो बैटरी परफॉर्मेंस मिलने वाला है एक दिन तक तो आराम से निकल जाएगा। और वहाँ पर इन्फिनिक्स S4 आता है 4000 mAh बैटरी के साथ, उसी के साथ साथ आउट ऑफ बॉक्स 10W का चार्जर भी आता है और यहाँ पर माइक्रो SB पोर्ट
सपोर्ट भी है। गाइस यहाँ पर जो बैटरी परफॉर्मेंस होने वाला है ठीक ठाक होने वाला है। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन की स्टोरेज के बारे में। गाइस रियलमी 5 आता है एक ही वेरिएंट स्टोरेज के साथ 4GB 64GB वाला वेरिएंट के साथ, और वहाँ पर इन्फिनिक्स S4 भी आता है एक ही वेरिएंट स्टोरेज के साथ 3GB 32GB वाला वेरिएंट के साथ। उसी के साथ साथ दोनों स्मार्टफोन के अंदर डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी है। दोनों स्मार्टफोन आता है आउट ऑफ बॉक्स पाई के साथ। दोनों स्मार्टफोन के अंदर है 3.5mm ऑडियो जैक। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। गैस दोनों स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट का प्राइस होने वाला है 9000 रुपीज। गैस दोनों स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है 9000 रुपीज के अंदर। लेकिन गैस 9000 रुपीज के अंदर कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है, कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए? गैस दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन के मुताबिक बताया जाए दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल बाजी में आता है रियलमी 5i 9000 रुपीज के अंदर। क्योंकि गैस 9000 रुपीज के अंदर यहाँ पर है ऑल एवरेज पैकेज। हाँ गैस इसका सेल्फी कैमरा बहुत ही कम है 8 मेगापिक्सल, लेकिन गैस इसका रियर कैमरा है क्वाड कैमरा सेटअप, यहाँ पर एक्स्ट्रा सेंसर भी है, उसी के साथ साथ 5000mAh का बैटरी भी है, और इसका डिस्प्ले का परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा खासा है, और इसका जो प्रोसेसर है बहुत ही अच्छा खासा, यहाँ पर पबजी जैसे गेम आप मक्खन की तरह स्मार्टफोन के अंदर खेल पाओगे। उसी के साथ साथ स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में बताया जाए दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा है। कहना की बात है दोस्तों 9000 रुपीज के अंदर ऑल एवरेज पैकेज प्रोवाइड कर रहा है रियलमी 5i। अगर आप इन्फिनिक्स के लवर्स हो तो आपके लिए एक अलग सी बात है। ऐसे भी दोस्तों मेरे हिसाब से और इस दोनों स्मार्टफोन से बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है रियलमी 5i। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सबका राय तो अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना। उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक करिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी चैनल में इसी तरह का वीडियो एंड बहुत सारा लेटेस्ट स्मार्टफोन की अपडेट भी लाता रहता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब तो बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।